मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सभी पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। दरअसल मुंब्रा शहर में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले और ईद मिलादुन नबी के दिन पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन भी मुंब्रा शहर में किसी तरह का माहौल खराब न हो और ईद मिलादुन नबी के दिन पुलिस का हर जगह तैनात रहना। मुंब्रा शहर में खुद डीसीपी बोरसे, एसीपी घोसालकर, सीनियर पीआई मधुकर कर खुद शहर में घूम घूम कर शहर के हालात का जायजा ले रहे थे ताकि शहर में अमन और शांति बनी रहे। इस सराहनीय कार्य के लिए आज खुद ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस कर्मियों से मुलाकात की और इनके कामों की सराहना की। सर, मुंब्रा शहर का जिस तरह से दो दिन जो अहम थे इसमें बंदोबस्त जो लगा रहा, तो उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सभी मुंब्रा वासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में कल ईद मिलाद उन नबी मनाई और पुलिस विभाग का सहयोग दिया। जो जजमेंट आया है उसका भी बहुत ही अच्छी तरह से स्वीकार किया और एक अमन और शांति का जो पैगाम है वे पूरे राज्य और देश को दिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से मुंब्रा पुलिस के जो एसीपी, डीसीपी और सीनियर पीआई हैं, इन लोगों ने जिस तरह से बंदोबस्त खड़ा रखा, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी, तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहें? मैं बहुत खुश हूँ इनके काम से और उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और ऐसा ही अच्छा काम उन्होंने करना चाहिए ये बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन और ईद मिलादुन नबी के दिन बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ शहर में पुलिस मुस्तैद रही। ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने साथ ही शहरवासियों को भी शुक्रिया अदा किया है कि लोगों ने अमन और शांति बनाई रखी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।